Assalamu alaikum. You're watching Health Solutions TV. I'm Dr. Adena Aslam with Seha Seha Zindagi. Umeed hai aap sab khairiyat se honge. Aaj hamare saath jo guest maujood hain wo hai child specialist Dr. Mohammed Moin Ashraf. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sabse pehle thank you so much hame time dene ke liye. Acha pehle thoda sa apna introduction dijiyega please. Ji, bilkul. Thank you for giving me this opportunity. I am Dr. Mohammed Moin Ashraf, graduate of SMC Sindh Medical College, batch 2015. After completing my house job, I did 2 years residency in pediatrics from Abbasi Shahid Hospital. उसके बाद मैंने as a clinical fellow peds cardiology department in ICUD join किया and right now I am working in an ICUD peds cardiology department as a clinical fellow. ठीक है, that's great. अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे आजकल का जो सीजनल एक वायरल चल रहा है, आपके पास भी आप बहुत देखते होंगे कि जो है इसी केस पे विजिट करते होंगे बच्चे, पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते होंगे, थोड़ा सा उस पर बताइए कि क्या सिम्टम्स होते हैं और दूसरी चीज़ ये कि फ्लू शॉट्स जो होते हैं, क्या पेरेंट्स शुड गो फॉर दोज कि वो फ्लू शॉट्स लगवाएं अपने बच्चों के कि नहीं? फ्लू अगर स्टार्ट किया जाए फ्लू वायरस से, इन्फ्लुएंजा वायरस तो वैसे 100 ईयर्स ओल्ड वायरस है, अब तो उसकी वैक्सीन भी मार्केट में आ चुकी है और रिकमेंड यही की जाती है कि 1 ईयर एंड ऑनवर्ड बच्चों को लगवाई जाए वैक्सीन, लेकिन उसको ये क्राइटेरिया होता है कि बच्चों को फीवर या फ्लू ऑलरेडी ना हो। जब बच्चे बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में होता है उन्हें वैक्सीन एडवाइस की जाती है। अब सेकेंडली ये कि कोरोना वायरस भी 2019 से ये कोविड की वो चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है और इसके सिम्टम भी बहुत ज़्यादा फ्लू से रिजेंबल करते हैं, स्पेशली इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स। उसमें फीवर होता है, बच्चों की रनी नोज होती है, बॉडी एक होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुल के डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे होते, तो उनमें टेस्ट के इशूज़ और स्मेल के इशूज़ पता नहीं चल पा रहे होते। तो वैसे ये है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन को कंसिडर करते हुए हाइजीनिक सिचुएशन को अच्छा बनाया जाए और साथ साथ फॉलो की जाए SOPs और फ्लू की जो वैक्सीन है बिल्कुल एडवाइस की जाती है बच्चों को 1 साल एंड ऑनवर्ड्स बच्चों को लगवानी चाहिए। और इसका क्या कुछ मंथली होती है कि इतने मंथ्स बाद ये रिकमेंड की जाती है? साल में एक बार। हर 12 महीने में एक बार लगवा ली जाए तो ये पूरे साल के लिए सफिशियंट होती है इम्यूनिटी के लिए। अच्छा, आपने जैसे बात की कोविड के भी सिम्टम्स जो है बहुत रिजेंबल करते हैं, तो ऐसी कुछ डिजीजेज होती हैं जैसे आपकी मलेरिया हो गई, डेंगू हो गया, ब्रोंकोलाइटिस हो गया और आपके निमोनिया हो गया, ठीक है, कोविड। अब ये ऐसे चार पांच ऐसी डिजीजेज होती हैं बहुत रिजेंबल करती हैं, तो इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस तरह कर सकते हैं पेरेंट्स? क्या कोई टेस्ट कराने जाए और टेस्ट भी क्योंकि इतने सारे होते हैं तो कोई ऐसे कोई 2-3 टेस्ट हों स्पेसिफिक कि अगर वही करा दें तो उससे डायग्नोसिस हो सके? बिल्कुल, जो आपने 4-5 मेजर बीमारियों के और इन्फेक्शन के नाम लिए, उसमें हम लोग पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा यही समझाते हैं कि 5 साइंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजर साइंस है, मेजर डेंजर साइंस, उसको उन्होंने फोकस करना होता है। पहला डेंजर साइन ये है कि हाई ग्रेड फीवर, बच्चे में अगर बुखार बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड फीवर है, तो ये डेंजर साइन है। इररिस्पेक्टिव ऑफ इन्फेक्शन, कोई सा भी इन्फेक्शन हो, उसमें उन्होंने फ़ौरन रिपोर्ट करना है, चेकअप करवाना है। सेकेंड डेंजर साइन ये कि बच्चा हर चीज़ वॉमिट आउट कर रहा है, कुछ खा नहीं रहा। सेकेंड डेंजर साइन ये वॉमिटिंग के साथ अगर फीवर है या नहीं है, वॉमिटिंग कर रहा है, तो ये इटसेल्फ एक डेंजर साइन है, उस पर भी चेकअप जरूरी हो जाता है। थर्ड डेंजर साइन ये कि ओरल इनटेक बिल्कुल नहीं है, बच्चा कुछ खा ही नहीं रहा, वॉमिटिंग नहीं भी कर रहा लेकिन कुछ खा ही नहीं रहा, ओरल इनटेक बिल्कुल जीरो पे चला गया। तीसरा डेंजर साइन है, चौथा डेंजर साइन ये कि अनकॉन्शियस बच्चा है, बच्चा अगर फीवर वगैरह के साथ बच्चा बहुत ज़्यादा ड्राउजी लेथार्जिक हो रहा है, अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है, कॉन्शियस लेवल अच्छा नहीं है, यानी कि बेहोशी की तरफ जा रहा है, तो ये एक चौथा डेंजर साइन है। पांचवा ये कि फिट्स वाली कंडीशन बहुत सारे इन्फेक्शन में भी होती है, जैसे दिमाग का गर्दन तोड़ बुखार जो होता है उसके दिमाग के इन्फेक्शन में भी होती है, उसके अलावा कुछ बच्चों को फिब्राइल फिट्स भी होते हैं, तो उसमें भी ये एक डेंजर साइन है। फिट्स किसी भी वजह से हो आपने चेकअप करवाना है बच्चे का। और बाकी मलेरिया के साइंस में कुछ ऐसी सिम्टम्स भी ऐड होते हैं जिसमें शिवरिंग होती है, बच्चों का बुखार बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनको सर्दी लग रही होती है, तो ये डिफरेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इसमें बच्चे को मलेरिया के हवाले से देखा जाता है। बाकी टेस्ट तो फिजिशियन चेकअप करने के बाद एडवाइस करते हैं। उसके साथ साथ डेंगू में भी ये कि हाई ग्रेड फीवर है, बच्चों को सर्दी लगेगी लेकिन वो वाली शिवरिंग नहीं होगी जो मलेरिया में होती है। और निमोनिया में कफ होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, बच्चों के जो सांस के नॉर्मल दौरानिया होता है वो तेज़ हो जाते हैं, तो निमोनिया की डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस तरह हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं सिम्टम और साइन को देखते हुए कि सांस की रफ्तार तेज़ होगी, पसलियाँ जो चल रही होंगी यानी कि सीने की जो रफ्तार होती है वो तेज़ होती है, तो उसको पसलियाँ चलना कहते हैं सबको, अच्छा रिसेशन, तो ये तो घर वाले भी नोटिस कर लेते हैं कि इसकी सांस तेज हुई हुई है और साथ साथ फीवर है, तो ऐसे में फौरी तौर पर बच्चे का चेकअप जरूरी हो जाता है। ठीक है, निमोनिया और ब्रोंकोलाइटिस को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? निमोनिया और ब्रोंकोलाइटिस दोनों एक का कॉज वायरल है और एक का बैक्टीरियल है, दोनों के सिम्टम बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। ब्रोंकोलाइटिस जो बच्चों में छोटी एज ग्रुप के बच्चों में ज़्यादा होता है, 1 ईयर बिलो 1 ईयर एंड नियर बाय 1 ईयर, तो वो वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल कॉजेज की वजह से हो रहा होता है, लेकिन सांस के उसमें भी
भी वैसी तेज रफ्तार होती है और बच्चा बुखार के साथ प्रेजेंट करते हैं। नमूनिया के कॉजेज जो होते हैं वो बैक्टीरियल कॉजेज ज़्यादा होते हैं, तो उसमें प्रेजेंटेशन सेम होती है। एक्सरे से हम लोग डिफरेंशियल करते हैं, एक्सरे में नमूनिया वाले पेशेंट्स के अंदर पैचेस बन रहे होते हैं कंसोलिडेशन, और ब्रोंकियोलाइटिस में एक्सरे में चेस्ट क्लियर होता है बिल्कुल, लेकिन ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, बस एंटीबायोटिक का फर्क आ जाता है। वो फिर वही के चेकअप के बाद डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इनको क्या एंटीबायोटिक देनी है नहीं। बस पेरेंट्स का काम ये है कि फौरी तौर पर ऐसी चीज़ों को इग्नोर किए बगैर डॉक्टर्स के पास डॉक्टर ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं कोविड आपके पास जो है वो कितने आप देख रहे हैं, कितना रेशो है कि बच्चों में भी कोविड हो रहा है और अर्ली सिम्टम्स बच्चों में क्या आ रहे हैं कोविड के हवाले से? अब क्योंकि हम लोगों के NICVD के अंदर तो रिसर्च भी चल रही है बॉस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका की, मैं उस रिसर्च का भी एक पार्टिसिपेंट हूँ, मतलब एज अ मेंबर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बहुत फ्रिक्वेंटली हमें पेशेंट्स मिल रहे हैं। अब हमारे पास यूजुअली टेस्ट तब करवाए जाते हैं जब कोई प्रोसीजर करवाना हो, जैसे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो, तो उसमें हम लोग पहले टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद फिर एडमिट करते हैं पेशेंट। तो उसमें मोस्टली पेशेंट्स आजकल पॉजिटिव आ रहे हैं, और मतलब जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें मोस्टली ये कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनको माइल्ड सा फ्लू है, माइल्ड सा फीवर है, तो वो इग्नोर हो रहे होते हैं, उनको घर वाले भी तवज्जो नहीं दे रहे होते। बच्चों में ज़्यादातर इम्यूनिटी के इश्यूज बड़ों के मुकाबले में बेहतर होते हैं, तो बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं फीवर और इन्फेक्शन वगैरह को, बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते हैं और उनके सिम्टम्स बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। ये सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ मैं, मॉडरेट और सीवियर सिम्टम में वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और साथ साथ बच्चों में इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होंगे, नॉर्मल फीवर से हट के अनयूजुअल सा उनको इन्फेक्शन होगा, मतलब घर वाले भी बोल रहे होंगे कि पहले भी बुखार हो ऐसा इरिटेबल नहीं हुआ था बच्चा, सही है। लेकिन वो इरिटेबिलिटी और वो उनके जो लिथार्जिनस है, थकन, खाना पीना कम कर देना, ये सारे साइंस वो साइंस हैं जो बच्चों में मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम में देखने को मिलते हैं। फिर ऑक्सीजन डिपेंडेंसी, सांस की कमी की वजह से ऑक्सीजन पे उनको रखना पड़ता है। ठीक, अच्छा कुछ घर ऐसे हैं जिनमें एडल्ट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उनको सिम्टम्स आते हैं, उनका कोविड पॉजिटिव आता है, उनकी ट्रीटमेंट होती है, फिर बच्चों में वो सिम्टम्स जो है स्टार्ट होते हैं शो होना, तो उस केस में क्या करें, उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाए या उनका पहले टेस्ट कराया जाए, किस तरह से उसको हम देखें, हैंडल करें? ऐसे में केसेस में तो हम लोग ट्रीटमेंट वैसे भी सिम्टोमेटिक दे रहे हैं, जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर आ रहे हैं तो फीवर की दवा, फ्लू वगैरह के लिए एंटी एलर्जी, तो ऐसे में जब भी सिम्टम्स आए वैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए सिम्टोमेटिक, और फौरी तौर पर चेकअप करवाना चाहिए। बहुत गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कोविड के टेस्ट और चेकअप दोनों चीज़ें फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो ऐसे में घर में अगर किसी एक बंदे का भी पॉजिटिव आ गया तो बाकी लोगों को तो वैसे ही आइसोलेट हो जाना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए, सबको ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए कि किसी को भी कोई सिम्टम आए तो फौरी तौर पर वो चेकअप भी कराएं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो बच्चों में सिम्टोमेटिक यही कि हम लोग पैनाडोल से स्टार्ट करते हैं, ओरल फ्लूइड अच्छा होना चाहिए, अगर बच्चा ओरल इनटेक नहीं ले रहा तो फिर एडमिशन की जरूरत पड़ती है। फर्दर और ट्रीटमेंट बताइए क्या करते हैं बच्चों में फिर पैनाडोल के अलावा? घर पर जो आप दे सकते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन जिसमें किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, वो पैनाडोल हो गई, फेब्रोल, और साथ साथ एंटी एलर्जी में रिजिक्स या टी डे सिरप जो आता है वो आप दे सकते हैं घर पे बच्चों को, डोज के वेट के मुताबिक डोज। और तीसरी चीज़ ये कि एंटी टसिव यानी कि खांसी के लिए जो शरबत देते हैं वो बच्चों में आजकल हर्बल सिरप्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, कॉपर सिरप हो गया, IV लीफ फॉर्मूले, तो वो आप बगैर किसी प्रेस्क्रिप्शन के भी स्टार्ट कर सकते हैं, नेबुलाइज आप करवा सकते हैं घर पे, और साथ साथ स्टीमर मशीन से स्टीम दिलवा सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा ये कोविड की बात हो गई, अगर हम जनरल भी देखें तो हमारे यहाँ ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस हो चुकी है कि अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो घर में खुद से एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा दी जाती है, तो थोड़ा सा इस पे बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सही है गलत है? मिसयूज नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल एंटीबायोटिक इस दाने पे पहुंच गई कि बहुत सारी दवाएं रेजिस्टेंट हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब एक एजोमैक्स एजिथ्रोमाइसिन बची है जो कि टाइफाइड में सेंसिटिव आ रही है, वो भी अब आजकल की मैं प्रैक्टिस देख रहा हूँ कि लोग खुद भी स्टार्ट कर देते हैं, मामूली सा गला खराब हुआ तो एजिथ्रोमाइसिन स्टार्ट कर देते हैं, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। इसके लिए यही है कि आप ओवर द काउंटर मेडिसिन तो घर पे स्टार्ट कर सकते हैं, पैनाडोल, रिजेक्स, एंटी एलर्जी, लेकिन एंटीबायोटिक का फैसला कंसल्टेंट को करना होता है, डॉक्टर को करना होता है, वो भी चेकअप के बाद। और बहुत सारे इस हवाले से फिर कोएक्स की प्रैक्टिस भी आ जाती है जो के डॉक्टर नहीं होते और वो क्लिनिक्स कर रहे होते हैं, वो फिर बहुत बेतहाशा लिखते हैं एंटीबायोटिक्स, उसकी वजह से बच्चे रेजिस्टेंट होकर हमारे पास आते हैं, तो फिर उन एंटीबायोटिक्स का आगे असर खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये इन टॉपिक्स पर हम निकल लिए, एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि हमारे यहाँ एडल्ट्स में तो हम बहुत ख्याल रखते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं कि न्यूट्रिशन सही हो, मिनरल्स सही हो, तो हम बच्चों में हमारे क्या है, आयरन डेफिशिएंसी बहुत देखी जाती है, ये सप्लीमेंट्स वगैरह के बच्चों में देने चाहिए और कब से देने चाहिए? बिल्कुल, ये सप्लीमेंट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे बच्चों में, मेल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है, PCM के केसेस जो हम लोग देख रहे होते हैं स्पेशली लो सोशो इकोनॉमिक एरियाज में, तो उसमें हम लोग ये मिल्क भी एडवाइस करते हैं और साथ साथ सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं, मल्टी वाइटामिन हैं, वाइटामिन डी ड्रॉप्स हैं, ये फिर दी जाती हैं, 6 मंथ्स ऑनवर्ड हम लोग देना यूजुअली शुरू कर देते हैं। ठीक है,
अच्छा, आपने बात की फार्मूला मिल्क की, तो ये फार्मूला मिल्क की क्या एक एज लिमिट होती है, किस एज तक देने चाहिए? और दूसरी चीज़ ये कि जब डेफिनेटली आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उसमें फीडर्स यानी प्लास्टिक का यूज़ बहुत आ जाता है, तो उसका क्या हार्म होता है? बिल्कुल, फार्मूला फीड वैसे तो ये जीरो से स्टार्ट होता है, यानी आफ्टर बर्थ फार्मूला इस तरह के ड्राइव हुए में फार्मूला वन जो है 0 to 6 मंथ्स तक देते हैं, 6 के बाद ऑनवर्ड्स 12 मंथ्स तक फार्मूला टू होता है, उसके बाद फार्मूला 3। ये उन केसेस में हम लोग रिकमेंड करते हैं जब मदर फीड किसी सर्टेन इशू की वजह से अवेलेबल नहीं है या मदर को कोई इशू है, कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो ऐसे में हम लोग फार्मूला फीड रिकमेंड करते हैं। अब ये है कि साथ साथ वीनिंग स्टार्ट करनी होती है 6 मंथ्स की एज के बाद, बच्चों को सादा खाना मतलब जो वो होता है सेमी सॉलिड डाइट वो स्टार्ट की जाती है, आहिस्ते आहिस्ते सेमी सॉलिड से सॉलिड डाइट की तरफ लाते हैं उन्हें, और मिल्क चल रहा होता है, यानी कि दिन में 3 to 4 टाइम्स आपने मिल्क देना है एज अ फीड, और 2 to 3 मील्स साथ में देनी है तो कवर अप हो जाते हैं। उसके साथ साथ 1.5 साल की एज में बच्चा इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो दिन के 3 मील्स ले रहा हो सॉलिड डाइट के, और दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स वो मिल्क ले रहा हो कप में, तो वो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 250 to 300 ml एटलीस्ट वो पूरे दिन में ले मिल, तो डिवाइडेड भी आप इस तरह दे सकते हैं 150 ml एट ईच फीड। और उसके साथ साथ आपने फीडर के हवाले से पूछा है, तो फीडर में वही बात आ जाती है, हाइजीन बहुत ज़रूरी है, पानी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं मिल्क बनाने में, बॉइल्ड वाटर हो, फीडर की धुलाई सफाई और उसको फिर बॉयल करके पानी में नीम गर्म पानी में उसको साफ़ करना हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये जब भी हम लोग किसी पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं तो उसके साथ हाइजीन के हवाले से उनको ज़रूर गाइड करते हैं। अच्छा, हाइजीन की बात हो गई तो ये भी बात करते हैं कि अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि वॉर्म्स होते हैं उनके, ठीक है, पेट में स्टूल के थ्रू निकल रहे होते हैं, तो डी वार्मिंग जो है उसका क्या, वो किस हद तक होनी चाहिए, कब होनी चाहिए बच्चों की? वॉर्म्स की बहुत कॉमन कॉज जो है वो पाइका है स्टीफ, यानी कि बच्चे मिट्टी में खेल रहे होते हैं उसी हाथ से फिर खा लेते हैं खाना, तो वो उस तरह उनके पेट में मिट्टी की वजह से जरासीम चले जाते हैं और वॉर्म से जो वो होते हैं एग्स होते हैं वो चले जाते हैं, वो पेट में वो वॉर्म फॉर्म हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले बच्चों की हाइजीन प्रैक्टिस स्टार्ट करवाते हैं पेरेंट्स से कि आप इनको आदत डलवाएं, जब भी इन्होंने कुछ खाना खाना हो तो वो हाथ वॉश करें, उसके बाद बैठें प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश हो और फिर उसके बाद खाना खाएं। साथ साथ डी वॉर्म करने के लिए हम लोग बहुत सारी मार्केट में मेडिसिन हैं, वर्मोक्स और जेंटेल इस तरह की दवाएं, तो वो हम उसका कोर्स करवाते हैं 6 वीक्स अपार्ट। वो डिपेंड करता है कि वॉर्म्स आ कितने रहे, अगर कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का इन्फेस्टेशन है, बहुत ज़्यादा वॉर्म्स आ रहे हैं, तो हम 6 वीक के बाद दोबारा भी रिपीट करवा सकते हैं, वरना 6 मंथ्स तक एक दफ़ा का कोर्स काफ़ी होता है और साथ साथ फॉलोअप करवाते रहते हैं। ठीक, अच्छा, अगर वैसे नॉर्मली बच्चों में ये चीज़ ना देखी जाए और कोई एक स्पेसिफिक ऐसी डाइट का पार्ट है कि अगर वो चीज़ खाते हो तो फिर वॉर्म्स आते हैं, ऐसा होता है क्या केस देखने में? डाइट के हवाले से तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बस वही हाइजीन की बात आ जाती है इसमें, हाइजीन की। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। इंशाल्लाह फिर आपके साथ हाजिर होंगे किसी और नए गेस्ट के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।